तमिलनाडु के नीलगिरी में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश हो गया है, जिसमें CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 लोग सवार थे। नीलगिरी के पहाड़ी पर यह हादसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। MI-17 V5 एक VVIP हेलीकॉप्टर है। इसे भारतीय वायुसेना का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह रूस निर्मित हेलीकॉप्टर है। यह रॉकेट तक को ले जाने में सक्षम है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर की तुलना बोइंग CH-47 चिनूक से की जाती है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के संबंध में जानकारी दी है और इसके बाद पीएम मोदी ने आपात बैठक भी बुलाई थी। देखिए, बता दें कि MI-17 V5 दुनिया के सबसे उन्नत परिवहन हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर स्पोर्ट काफिले और एक्सकॉर्ट पेट्रोल और सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में भी तैनात किया जाता है। MI-17 V5 सत्रुम वी मिसाइल, S-8 रॉकेट और एक 23mm मशीन नग्न है। वहीं PKT मशीन गन और AKM बस मशीन गन से लैश है। वहीं बता दें, इसमें हथियारों को निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट है और MI-17 V5 की अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज है और मानक रेंज 580 किलोमीटर है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यह अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई से उड़ता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।